तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लीन साइंस के स्टॉक के बारे में। क्लीन साइंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अभी अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 0.40% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से अभी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक है 1338 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1315, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1292 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1260 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1361 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन ऐसा हमको स्टॉक में 1396, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1432 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी हम ब्रेक किया देन ऐसा अभी हमको स्टॉक में अगेन 1494, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1566 एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 1650 और 1700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।